नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तमो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई स्टूडेंट की हमको रिक्वेस्ट आई थी कि सुमिष्ट यूनिवर्सिटी एंड क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी दोनों के अंदर बेटर यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो वही रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आज हम लोग यहाँ पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि वाले दूसरे वीडियो के बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी वर्सेस क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी को डिफेम करने का हमारा कोई मोटिव नहीं है। यहाँ पे जो भी है हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे और दूसरी कुछ रेप्यूटेड रेफरेंस वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पहलू पे बात करेंगे जो कि काफी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं फॉर द स्टूडेंट, जिन लोगों को MBBS करना है अब्रोड के अंदर, उनको अगर दिक्कत आ रही है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के अंदर तो ये पहलू को खास ध्यान में रखना आवश्यक रहेगा उनके लिए। तो सबसे पहला अगर हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे बात आती है वर्ल्ड रैंक के ऊपर। यहाँ पे अगर वर्ल्ड रैंक की बात की जाए और यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी को कम्पेयर किया जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज रैंक यानी कि QSTAR रैंकिंग के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम लोग QSTAR रैंकिंग की बात करेंगे तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी का रैंक अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे तो वो 700-750 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। जबकि वहां पे ही अगर हम लोग क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहां पे उसका कहीं पे भी कोई वजूद नहीं दिखेगा। उसके बाद अगर ECA रैंकिंग की हम लोग बात करेंगे तो ECA रैंकिंग के अंदर सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो करीबन 118 है, जबकि अगर क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहां पे उसका रैंक आपको 301-350 के बीच में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे टाइम्स हायर रैंकिंग के बारे में, जो कि एक रेप्यूटेड ऑप्शन बोल सकते हो आप, तो टाइम्स हायर रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप चेक करते हो अगर तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसका रैंकिंग 501-600 के बीच में देखने को मिलेगा, जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कहीं भी आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा। उसके अगर बात करेंगे हम लोग राउंड रैंकिंग के बारे में, जो कि रशियन रैंकिंग सिस्टम है, वहां पे अगर सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो वहां पे यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड रैंक है वो 592 है एंड कंट्री रैंक 2 है। वहां पे फिर से अगर आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी को आप देखोगे तो वहां पे भी उसका कोई नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो फाइनली एक दूसरा ऑप्शन जो है वो यूनि रैंक बोल सकते हो आप, यानी कि 4icu.org, वहां पे अगर सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी का रैंकिंग चेक करेंगे तो करीबन 3083 उसका वर्ल्ड रैंक है और 11 जो है उसका कंट्री रैंक, जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहां पे उसका वर्ल्ड रैंक है 3644 एंड कंट्री रैंक है 16। उसके बाद अगर हम लोग एस्टेब्लिशमेंट एंड की बात करेंगे यूनिवर्सिटीज की, तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1992 के अंदर, जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो करीबन 1931 के अंदर हुआ था। पॉपुलेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो सुमी ओब्लास्ट का जो पॉपुलेशन है वो करीबन 10.7 लाख के आसपास का है, जबकि क्रीमिया रीजन की अगर हम लोग बात करेंगे वहां पे तो क्रीमिया रीजन का जो पॉपुलेशन है वो करीबन 19.7 लाख के आसपास। यहाँ पे दोनों ही यूनिवर्सिटीज के मेन सिटीज की बात की जाए तो देखिए दोनों सिटीज के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको ट्रैवल बाय रोड करना पड़ेगा या तो फिर ट्रैवल बाय डोमेस्टिक एयरलाइंस करना पड़ेगा, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस की बात की जाए क्यू से तो वो करीबन 368 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, यानी कि जो टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे लगेगा आपका वो करीबन 4 से 4.5 घंटे का लगना है। जबकि यहाँ पे सिम्बरफॉल सिटी जो है, जो कि क्रीमिया का सिटी है, जिसका डिस्टेंस अगर हम लोग मॉस्को से कंपेयर करेंगे तो मॉस्को से उसका डिस्टेंस करीबन 1750 किलोमीटर है, यानी कि वहां पे टोटल ट्रैवल ड्यूरेशन जो लगेगा वो 21 से 22 घंटे का लगना है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एक्रेडिटेशन पार्ट की बात करेंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट पहलू आप बोल सकते हो यहाँ पे एक्रेडिटेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहला अगर हम लोग WHO का बात करते हैं तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के पास WHO का एक्रेडिटेशन है, और क्रीमिया की बात करेंगे तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के पास भी WHO का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है। उसके बाद MCA एक्रेडिटेशन की बात करेंगे जो कि इंडिया के लिए अनिवार्य है, सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के पास MCA का एंड एज वेल एज NMC भी बोल सकते हो आप, उसका एक्रेडिटेशन अवेलेबल है, जबकि क्रीमिया यूनिवर्सिटी के पास भी MCA और NMC का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है। उसके बाद ECFMG की बात की जाए, जो कि खास रिक्वायरमेंट रहती है अगर किसी बच्चे को US में जाके PG करना है तो उसके लिए अगर देखेंगे तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के पास ECFMG का एक्रेडिटेशन है, जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटीज की जो सिटी है वहां पे सेंशन लगा हुआ है, तो वहां पे फिलहाल उनके पास ECFMG का एक्रेडिटेशन अवेलेबल नहीं। उसके बाद अगर GMC एक्रेडिटेशन की बात करेंगे, जो कि UK के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए अनिवार्य है, तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के पास
जीएमसी एक्रेडिटेशन अवेलेबल है, जबकि जैसे हमने बताया था पहले भी एक वीडियो में, क्रीमिया फेडरल सिटी के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है तो वहां पे जीएमसी का एक्रेडिटेशन फिलहाल अवेलेबल नहीं। उसके बाद जो सबसे दूसरा बड़ा पहलू होता है बजट क्राइटेरिया की बात कर सकते हैं। यहाँ पे बजट की बात करेंगे, अगर यहाँ पे ट्यूशन फीस की बात की जाए तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है करीबन $4,300 के आसपास है और कंप्लीट 6 साल तक एक इक्वल फीस आपके पास मेंटेन रहेगी। जबकि अगर क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उनका जो फीस है वो करीबन ₹3,00,000 यानी कि $4,000 के आसपास है और वो हर साल 2.5% इंक्रीज होने के चांसेस है वहाँ। और यहाँ पे अकोमोडेशन के एक्सपेंस की बात की जाए तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स है उनका जो चार्जेस है करीबन $700 से $800 के आसपास है। जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे यहाँ पे उनका जो हॉस्टल का फीस है वो करीबन ₹40,000 to ₹60,000 यानी कि $600 से $800 के बीच में रहेगा। दूसरा यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना आवश्यक है आपको यहाँ पे कि अगर आप इंडिया से करेंसी ट्रांसफर के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे सुमी के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वहाँ पे डायरेक्ट करेंसी ट्रांसफर पॉसिबल है एज वेल एज इंडियन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप वहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो। जबकि अगर वहाँ पे ही अगर हम लोग क्रीमिया फेडरल की बात करेंगे वहाँ पे US एंड यूरोपियन गवर्नमेंट का सैंक्शन लगा हुआ है तो वहाँ पे डायरेक्ट करेंसी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ से अगर पेमेंट ट्रांसफर करना है तो स्टूडेंट को सबसे पहले मॉस्को में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसके थ्रू ही आप पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते। इंडियन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ट्रैवल कार्ड कुछ भी आप वहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज के इंटेक कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर टोटल 2 इंटेक रहते हैं, जिसके अंदर दोनों इंटेक के अंदर 200-200 सीट का प्रोविजन है। पहला इंटेक जो रहता है अक्टूबर से दिसंबर के अंदर, जहाँ पे 200 सीट का प्रोविजन है, एंड सेकेंड इंटेक जो रहेगा वो आपका फरवरी या मार्च के बीच में रहेगा, जिसके अंदर भी वहाँ पे 200 सीटें अवेलेबल है। उसके सामने अगर हम लोग क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे उसका जो इंटेक कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो 2020 का इंटेक था उसका 500 प्लस सीट्स का था, लेकिन फिलहाल जो इंफॉर्मेशन हमको मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग 2021 के अंदर करीबन 800 प्लस सीट्स वो लोग फिलअप करने वाले हैं। यहाँ पे इस स्टूडेंट इंटेक कैपेसिटी के सामने यहाँ पे ये चीज खास देखनी जरूरी है कि यूनिवर्सिटी के पास इतने स्टूडेंट को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वहां पे प्राइवेट अकोमोडेशन का क्या टैरिफ रहेगा वो भी आपको गिनती में लेके चलना है बजट के अंदर। एंड अगर इतने सारे स्टूडेंट वहां पे जाते हैं तो उसके सामने कितने टीचर्स उनके पास अवेलेबल है वो भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज के अंदर उसकी बात की जाए तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो करीबन 1700 प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, और उसके सामने अगर हम लोग क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पे करीबन 2000 प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर यहाँ पे हम लोग फूड फैसिलिटी की बात करेंगे तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन मैस अवेलेबल नहीं है, हालांकि इंटरनेशनल मैस वहां पे अवेलेबल है। जहां की क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर बात की जाए तो वहां पे इंडियन मैस आज की डेट में अवेलेबल है। तो यहां पे अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात की जाए तो बोथ द यूनिवर्सिटीज आर हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज। नाउ इट्स अप टू स्टूडेंट, उनको डिसाइड करना है कि विच इज द बेटर फॉर देम। अगर अकॉर्डिंग टू सोफ्तामो बात की जाए तो अगर आपको बजट का कोई इश्यू नहीं है देन सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी इज बेटर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज सुमी सिटी जो है वो यूक्रेन के अंदर आई हुई है एंड इजीली एक्सेसिबल सिटी आप बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा पहलू आता है एक्रेडिशन पार्ट, यहाँ पे ECFMG का या GMC का एक्रेडिशन क्रीमिया के पास अवेलेबल नहीं है जबकि सुमी के पास अवेलेबल है। यहाँ पे स्टूडेंट को एंड पेरेंट्स को सोच समझ के डिसीजन लेना अनिवार्य हो जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर रहेगी उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। अगर आपको इंडिया में आके ही प्रैक्टिस करना है देन क्रीमिया इज ऑल्सो बेटर फॉर यू, बट अगर आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो अब्रॉड कंट्रीज का है लाइक US और UK और कैनेडा देन ऑलवेज थिंक अबाउट द सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी। सो फिर से मैं बताऊंगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी को डिफेम करने के लिए प्रयत्न नहीं किया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में रखना आपको आवश्यक है। यहाँ पे हमने जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले एवं लाइक जरूर से करें। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी
डाउट हो तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा चैट सेक्शन अवेलेबल है, जहाँ पे जाके हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ आप चैट पे भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप मेल करना चाहे तो दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल भी कर सकते। उसके अलावा अगर आपको घर पे बैठ के काउंसलिंग का बेनिफिट लेना है तो हमारे ब्रांच को या हमारे नंबर के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट करना रहेगा, जहां से आपको जूम की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जिसके ऊपर आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आपको अगर कमेंट करना है तो यही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, जहां पे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर से मेरा निवेदन है दोस्तों आपसे कि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, एंड जो भी डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लीजिए। धन्यवाद, टेक केयर।